नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं दिल्ली के उत्तम नगर के अंतर्गत आने वाले आर्य समाज रोड पर मौजूद हूँ। यहाँ पर बीती रात फायरिंग चलने की जो वारदात है वो सामने आई है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि एक शख्स जिनका नाम गुप्ता बताया जा रहा है वो यहाँ से ब्रीफकेस लेकर निकलते हैं और रास्ते में यानी कि यहाँ से लेफ्ट लेकर एक कस्तूरी ज्वेलर्स आता है, वहीं पर तीन बाइक सवार बदमाश उन्हें घेर लेते हैं, उनके ऊपर फायरिंग भी की जाती है। हालाँकि जो गोली है वो छू कर निकल जाती है, लेकिन बावजूद इसके उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। फिलहाल उनका जो इलाज है वो किया जा रहा है, हालत जो है उनकी स्थिर बताई जा रही है। गुप्ता ज्वेलर्स है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर आए थे परिवार से बातचीत करने, क्योंकि बैक साइड पे उनकी पत्नी भी हमें मिली, उनके बेटे भी मिले, स्टाफ के कुछ लोग भी मिले, लेकिन ऑन कैमरा उन्होंने जो है कुछ भी बातचीत करने से मना कर दिया है। लेकिन जो शुरुआती मामला देखने को मिल रहा है वो यही लग रहा है कि लूटपाट के मकसद से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। लेकिन फिलहाल जो पुलिस है मामले की जाँच करेगी और तब पता चल पाएगा और तब जो तस्वीरें हैं वो क्लियर हो पाएंगी कि आखिर इस पूरी वारदात को अंजाम क्यों दिया गया है। क्या सिर्फ चोरी के मकसद से ही इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है या फिर कोई दुश्मनी निकाली गई है। अभी एक पुलिसकर्मी भी यहाँ पर आए थे, शायद पूछताछ के मकसद से यहाँ पर आए होंगे। हमने भी कोशिश की थी परिवार से बातचीत करने की, लेकिन परिवार ने ऑन कैमरा कुछ भी नहीं कहा है। आसपास के लोगों ने कुछ जानकारी दी है कि यहाँ से वो बैग लेकर निकलते हैं और कस्तूरी ज्वेलर्स जो कि यहाँ से लेफ्ट लेकर आता है उसी के सामने जो फायरिंग करते हैं बदमाश, और उसके बाद फायरिंग करके वो ब्रीफ केस लेकर यहाँ से फरार हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार ये बताया जा रहा है कि जिस शख्स को गोली लगी है उनकी उम्र लगभग 70 साल है, और ये जो पूरा मामला गया है ये बिंदापुर थाने में गया है। वहीं की जो पुलिस है इस पूरे मामले की देखरेख कर रही है और जो जांच का काम है वो किया जा रहा है। बहरहाल जो पुलिस है वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, इस तरफ दिखाइए जगजीत, एक बार पुलिसकर्मी भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो मामले की जांच है वो फिलहाल की जा रही है और अब पुलिस की जाँच के बाद ही जो स्थिति है वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर ये पूरा मामला क्या था। जिस तरीके से अब तक ये मामला नजर आ रहा है कि लूटपाट के मकसद से उनके ऊपर फायरिंग की गई, क्या वाकई में ये सिर्फ यही मामला है या फिर मामला कुछ और आगे जाके निकलेगा, किसी से कोई दुश्मनी थी, कोई रंजिश थी, ये पुलिस की जांच के बाद जो तस्वीरें हैं वो साफ हो पाएंगी। फिलहाल जो अपडेट था इस मामले में वो हमने दे दिया है, आगे इस मामले को लेकर जो भी अपडेट आएगा वो सीधे तौर पर आपके साथ साझा किया जाएगा। इस पूरी खबर को लेकर आपकी क्या राय है वो जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।